हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम पढ़ेंगे आपके साइंस का चैप्टर नंबर 3, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं? मैन मेड फाइबर्स या आर्टिफिशियल फाइबर्स जो केमिकल इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। मटेरियल इज अ सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। वी यूज लॉट्स ऑफ मटेरियल एवरी डे। हम लोग हमेशा बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ करते हैं, उनसे अलग अलग सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं। दे माइट बी हार्ड, वो हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, वाटर प्रूफ भी हो सकते हैं और एब्जॉर्बेंट भी हो सकते हैं। पर्सन मेकिंग केयरफुली सेलेक्ट्स मटेरियल फॉर इट बाई पिकिंग द यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ ईच मटेरियल। किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए लोग मटेरियल्स को अच्छी तरह से देख के, उसकी क्वालिटी देख के फिर उसको यूज़ में लेते हैं। टुडे वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथिंग सच एज पैंट, शर्ट, कोट एक्सेट्रा। वेयर डू वी ड्रॉ मटेरियल्स फ्रॉम फॉर दीज क्लॉथ्स कम फ्रॉम? आर सम ऑफ आवर क्लोथ्स ऑब्जेक्ट सिंथेटिक? हाउ दे आर मेड? वो सिंथेटिक फाइबर से ऑब्टेन होते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स कौन बनाता है? इंसान खुद ही बनाता है। ये मैन मेड फाइबर है और आर्टिफिशियल फाइबर भी हम इसको बोलते हैं। क्लोथ्स ऑफ द डिस्टेंट पार्ट वर मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑलमोस्ट ऑल सिंथेटिक फाइबर्स एंड मटेरियल्स यूज टूडे आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ऑलमोस्ट जो भी सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं वो ऑलमोस्ट पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस से बनाए जाते हैं। यू कैन फाइंड आउट बाई रीडिंग द लेबल सेवन इन टू योर क्लोथ्स। ऑल क्लोथ्स दैट कम फ्रॉम स्टोर मस्ट हैव अ लेबल टू टेल यू वॉट मटेरियल वॉल यूज टू मेक। आप जो भी कपड़े वगैरह खरीदते हो उनके ऊपर लिखा होता है कि इसका फाइबर कौन सा और कहाँ से ऑब्टेन हुआ है। दे आर नोन एज प्लांट फाइबर्स। और आपने लास्ट क्लास में जूट और कॉटन के बारे में पढ़ा था, ये कौन से फाइबर है? नेचुरल फाइबर्स, और ये प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। उन क्लास सेवन्थ आपने सिल्क और वूल के बारे में पढ़ा होगा, ये एनिमल फाइबर्स है और एनिमल से हमें मिलते हैं, बट ये दे आर ऑल्सो नेचुरल फाइबर्स। कलेक्टिवली वी कैन से दैट कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर्स। इनको हम एक साथ नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। नेचुरल फाइबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स, एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर्स। ऑल नेचुरल फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स विच आर फर्दर यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स। नेक्स्ट टू फूड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड फॉर ह्यूमन बींग इज क्लोथिंग। सबसे ज़रूरी इंसान के लिए क्या होता है? कपड़े। इट इज़ नॉट ओनली दैट क्लोथ्स आर पार्ट ऑफ आवर मॉरल कोड एंड डिसेंटी, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड क्लाइमेट। ये हमें टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो कम हो उससे हमें सेव करते हैं और क्लाइमेट से। चेंज फर्दर मोर दीज फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग रोप्स, बेडशीट्स, इनसे बेडशीट, रस्सी, सोफा कवर, फिशिंग नेट्स, कारपेट, सेल बोर्ड्स एंड वेराइटी ऑफ अदर आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज आर फॉर्म। इनसे डेली यूज में जो भी हमारी चीज़ें हम काम में लेते हैं वो बनाई जाती है। हाउएवर द डिमांड फॉर फाइबर्स एंड फैब्रिक्स इज सो लार्ज। फाइबर्स और फैब्रिक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है दैट लार्ज नेचुरल फाइबर्स आर इनसफिशियंट टू फुलफिल इट। इसकी वजह से नेचुरल फाइबर से इस डिमांड को फुलफिल करना नहीं हो रहा है। टू मीट दिस डिमांड, तो इस डिमांड को कम्प्लीट करने के लिए साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड आर्टिफिशियल फाइबर्स। साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल फाइबर्स फॉर्म किए यूजिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, कोल को और रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके आर्टिफिशियल फाइबर्स फॉर्म किए। What are synthetic fiber? अब artificial और synthetic fibers क्या होते हैं? Try to recall uniform pattern found in necklace of beads joined with the help of thread. आप ये समझोगे necklace होते हैं उसमें अलग आपको धागे से जो मोती वगैरह डाले होते हैं और trying to join a number of paper clips together to change a long chain. In both the cases they form a long chain. उससे क्या होती है? Long लंबी सी चेन बनी होती है स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल थिंग सच एज बीड और अ पेपर क्लिप। केमिस्ट बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स हैव फाउंड आउट ऑल द नेचुरल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। केमिस्ट ने ये सर्च किया कि जो भी सारे नेचुरल फाइबर्स है वो सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं जिसको मोनोमर्स बोलते हैं। द वन वर्ड मोनोमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, मोनो मीन्स वन, मर मीन्स यूनिट, जो वन यूनिट से बने होते हैं या फिर सिंगल यूनिट से फॉर्म होते हैं। सो मोनोमर इज अ सिंपल यूनिट ऑफ अ गिवन केमिकल मॉलिक्यूल। मोनोमर क्या है? सिंगल यूनिट, केमिकल मॉलिक्यूल की एक यूनिट। फॉर एग्जांपल द मोनोमर इज द नेचुरल फाइबर कॉटन इन सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। हाउएवर इन ऑल नेचुरल फाइबर्स द मोनोमर्स जॉइन इन अ लार्ज नंबर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड
पॉलीमर। ऐसे ही इन्हीं मोनोमर्स को कंबाइन करके जॉइन करके एक लंबी चेन बनाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। पॉलीमर, पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट। जो बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना होता है वो पॉलीमर, और जो एक ही यूनिट से मिलकर बना होता है वो मोनोमर। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट। सो पॉलीमर कंटेन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन और अ बिगर मॉलिक्यूल। मोनोमर को कंबाइन करके लॉन्ग चेन बनाई जाती है या फिर बिगर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉलीमर ऑफ नेचुरल फाइबर कॉटन इज कॉल्ड सेल्यूलोज। कॉटन की लॉन्ग चेन जो बनाई जाती है मोनोमर से, पॉलीमर फॉर्म होता है, उसको हम सेल्यूलोज बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के मोनोमर से फॉर्म होती है, उसकी लॉन्ग चेन बनाई जाती है, फिर जो पॉलीमर बनता है ग्लूकोज का, उसको हम सेल्यूलोज बोलते हैं। द नेचुरल फाइबर्स और पॉलीमर्स आर प्लास्टिक इन नेचर, दे कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स। नेचुरल फाइबर्स या फिर पॉलीमर्स जो होते हैं वो नेचर में प्लास्टिक होते हैं, उनको हम किसी भी सांचे में ढाल सकते हैं या किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच सब्सटेंस कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म्स इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। अब वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू या जिस प्रॉपर्टी से हम उस सब्सटेंस को किसी भी अदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं या किसी अदर शेप में चेंज कर सकते हैं, वो उस सब्सटेंस की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, प्लास्टिसिटी। वेयर इज द सब्सटेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड प्लास्टिक, और जो सब्सटेंस खुद होता है उसको प्लास्टिक बोलते हैं। केमिस्ट हैव लर्न टू मेक डुप्लीकेट फाइबर्स, केमिस्ट ने डुप्लीकेट फाइबर बनाने का सोचा। दे हैव लर्न टू कंबाइन सिंपल मॉलिक्यूल्स इनटू अ लॉन्ग चेन, उन्होंने सिंपल मोनोमर्स को कंबाइन करके पॉलीमर बनाया, सो एज टू फॉर्म एन आर्टिफिशियल फाइबर। इससे उन्होंने आर्टिफिशियल फाइबर फॉर्म किया। द आर्टिफिशियल फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स और मेन मेड फाइबर्स, उनको हम मेन मेड या सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ बाई विच आर्टिफिशियल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। वो प्रोसेस जिसमें आर्टिफिशियल फाइबर्स फॉर्म किए जाते हैं सिंपल मॉलिक्यूल से, यानी मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्ट किए जाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ओके, सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन मोनोमर। मोनोमर क्या होता है, द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल इन अ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। जिस सिंपल मॉलिक्यूल से पॉलीमर फॉर्म होता है उसको हम मोनोमर बोलते हैं, मोनोमर यानी सिंगल यूनिट। पॉलीमर क्या होता है, द प्रोडक्ट फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स। बहुत सारे मोनोमर्स को कंबाइन करके जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। प्लास्टिक आ मटेरियल विच कैन बी इजिली मोल्डेड इंटू वेरियस फॉर्म्स इज कॉल्ड प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है, वो मटेरियल जिसको हम किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। प्लास्टिसिटी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म्स इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिससे मटेरियल को आप किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स, रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। रेयन को और क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज कैप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। फैब्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वर वेरी कॉस्टली। सिल्क से जो फैब्रिक हमें मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बट इट्स ब्यूटिफुल टेक्स्चर ऑफ सिल्क फैसिनेटेड एवरीबडी। बट इसका जो टेक्स्चर होता है बहुत ही सुंदर होता है, ये लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अटैम्प्ट वर मेड टू टेक सिल्क आर्टिफिशियली। इसलिए साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अगर ये कॉस्टली है नेचुरल सिल्क, तो आर्टिफिशियल सिल्क कैसे फॉर्म किया जाए। टूवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। 19th सेंचुरी के आसपास साइंटिस्ट सक्सेसफुल हो गए इसका आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाई केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, दिस फाइबर इज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। जो फाइबर उन्होंने बनाया उसको रेयन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेयन इज प्योर कॉटन और वुड सेल्यूलोज। इसके लिए रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं प्योर कॉटन और वुड सेल्यूलोज। रेयन इज समटाइम्स कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर। इसको और क्या बोलते हैं, रीजनरेटेड फाइबर, बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई मॉडिफाइंग द नेचुरल फाइबर, क्योंकि ये नेचुरल फाइबर को मॉडिफाई करके बनाया जाता है। रेयन इज़ नॉट ट्रूली एन आर्टिफिशियल फाइबर बिकॉज इट्स रॉ मटेरियल इज़ अ
नेचुरल फाइबर। इसको कम्प्लीटली हम ये नहीं बोल सकते कि ये आर्टिफिशियल फाइबर है, क्योंकि इसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो नेचुरल फाइबर होते हैं। हावेवर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज इट इज़ इंक्लूडेड इन टू मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। रियोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नेचुरल फाइबर इन फॉलोइंग स्टेप्स। प्योर कॉटन और सेल्यूलोज इज सॉक्ड इन 30% सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा फॉर 3 आवर्स। प्योर कॉटन और सेल्यूलोज को 30% कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन में रखा जाता है 3 आवर्स के लिए। द कास्टिक सोडा सॉल्यूशन इज देन रिमूव्ड एंड द प्रोडक्ट इज जेंटली वॉर्म्ड विद कार्बन डाइसल्फाइड। देन कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन को रिमूव किया जाता है और उसको कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रखा जाता है। द प्रोडक्ट सो फॉर्म इज कॉल्ड सेल्यूलोज सेंथेट। फिर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका नाम क्या है? सेल्यूलोज सेंथेट। सेल्यूलोज सेंथेट इज अगेन डिजॉल्व इन कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। फिर उसको वापस कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन होता है उसमें रखा जाता है। व्हेन इट फॉर्म्स अनदर प्रोडक्ट कॉमनली कॉल्ड विस्कोस सॉल्यूशन। फिर उससे नेक्स्ट जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम विस्कोस सॉल्यूशन बोलते हैं। दिस सॉल्यूशन इज केयरफुली फिल्टर्ड टू रिमूव एनी इनसॉल्युबल प्रॉपर्टी। फिर इस सॉल्यूशन को फिल्टर किया जाता है अच्छे से ताकि इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हो उसको रिमूव किया जा सके। द विस्कोस सॉल्यूशन इज देन स्लोली पास थ्रू अ स्पिनरेट प्लेस्ड इन द बाथ ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फिर उसको स्पिनरेट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से इसको पास करवाया जाता है। द विस्कोस हार्डन्स टू फॉर्म अ वेरी फाइन फिलामेंट। इससे फाइन फिलामेंट यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। द फिलामेंट इज देन वाउंड ऑन अ स्पूल। फिर उसको स्पूल के ऊपर उसको लपेटा जाता है। यूजेज ऑफ रेयन। रेयन की यूजेज क्या है? द फिलामेंट ऑफ रेयन कैन बी वोवन लाइक एनी अदर नेचुरल फाइबर। दे हैव अ फील एंड टेक्सचर ऑफ नेचुरल सिल्क। फॉलोइंग यूजेज लॉन्ग फिलामेंट्स ऑफ रेयन आर यूज फॉर मेकिंग रेनफोर्स ऑटोमोबाइल टायर्स। इनसे ऑटोमोबाइल टायर्स वगैरह बनाया जाता है। रेयन फिलामेंट्स आर ब्लेंडेड विद वूल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कार्डबोर्ड कारपेट्स। कारपेट्स बनाए जाते हैं इनसे। रेयन फिलामेंट्स आर ब्लेंडेड विद कॉटन टू मेक स्मूथ सिल्की क्लोथ। इसको कॉटन के साथ ऐड करके इससे क्लोथ वगैरह बनाए जाते हैं। यूज़ फॉर बेडशीट, और बेडशीट बनाने में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है नायलोन। ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।